One. गाइस आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये है रॉकेट, और सिंपली दोस्तों आप लोगों ने रॉकेट कभी ना कभी जरूर उड़ाए होंगे। और दोस्तों आपने रॉकेट उड़ाया होगा तो ये जो रॉकेट होता है आपने यहाँ पर आग लगाया होगा और ये जो रॉकेट है डायरेक्ट सीधा ऊपर गया होगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये चीज ट्राई करने वाले हैं कि ये जो रॉकेट है इसको सीधा के अलावा दाया बाया क्या हम ले जा सकते हैं। दोस्तों सिंपली इसे दाया बाया उड़ा तो नहीं सकते, लेकिन दोस्तों हमारे पास एक तरीका है जिसकी मदद से हम इसे दाएं बाएं चला सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे ये रहा हमारा जुगाड़। दोस्तों ये जो पाइप है ये लगभग 30 फीट का पाइप है, इसी में हम ट्राई करके देखने वाले हैं हमारा ये जो रॉकेट है ये दाएं बाएं जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। हम करेंगे ये कि ये इस तरह से राउंड है, फिर इसको इस तरह से राउंड करेंगे, पूरा एस बना देंगे, यानी कि दोस्तों हम इसे सांप की तरह बना देंगे। उसके बाद देखेंगे उसमें हमारा ये रॉकेट है ये चल पाता है या फिर नहीं चल पाता है। उसके बाद दोस्तों हम इसे सर्कल यानी कि राउंड राउंड करके भी देखेंगे, उसमें भी ट्राई करेंगे उसमें वर्क करता है या फिर नहीं करता। उसके बाद दोस्तों यू भी जो होगा वो ट्राई करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बिना देरी किए इसे स्टार्ट करते हैं। गाइस ये रहा हमारा पाइप और सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा रॉकेट, और ये जो रॉकेट है इसे हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो डंटी है ये इसमें पाइप में फंस भी सकता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि ये जो रॉकेट का डंटी है हम सिंपली यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसे तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद इसे हम सिंपली यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद इसमें आग लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें आग लगाते हैं। उधर एक साइड में आप देख सकते हैं एक लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें आग लगाते हैं इन 3, 2, 1। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। एस बना के या फिर दोस्तों सांप बना के चलिए अभी उसमें ट्राई करते हैं क्या ये वर्क करता है या फिर नहीं करता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये है यहाँ, इसे एस बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये इधर आप देख सकते हैं, अब हम इसमें देखते हैं क्या हमारा ये जो रॉकेट है ये इसमें चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है। चलिए अब हम इसमें आग लगाते हैं। ये रहा हमारा रॉकेट, वो इसमें आग लगाते हैं। इसमें भी इतना ही साइज का डंटी रखते हैं हम, इसे तोड़ लेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसे हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दिया है। अब इसमें लगाना है हमें आग, तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं आग। 3, 2, 1। देखा आपने ये जो हमने एस तरह यानी कि दोस्तों सांप तरह का बनाया था उसमें भी निकल गया। अब सिंपली इसमें हम गोल यानी कि दोस्तों सर्कल बना के देखेंगे उसमें निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है। तो चलिए उसे भी ट्राई करते हैं। अब बारी है इसे गोल करने का। दोस्तों यही है सबसे ज्यादा टफ, हमें लगता है कि यही सबसे ज्यादा टफ है। आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर रखा है राउंड, उसके बाद ये हो गया इतना ही राउंड हुआ है। अब सिंपली इसमें हम देखेंगे क्या हमारा ये जो रॉकेट है ये इससे निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमने ये गोल किया हुआ है। तो चलिए अब वीडियो में बिना देरी किए इसमें हम लगाते हैं आग। इसमें हम लगाते हैं आग इन 3, 2 और 1। 3, 2। गाइस ये हमारा रहा ये जो सर्कल है इसमें दूसरा ट्राई। 2। गाइज हमने सिंपली यहाँ पर रॉकेट रखा हुआ था और हमने जितना भी रॉकेट रखा हुआ था सब में आग लग गया। हमने ये हमारे पास जो रॉकेट था हमने यहाँ पर रखा हुआ था और यहाँ से निकला और यहाँ पर आग लगा, और उसके बाद से हमारे पास जितना रॉकेट था 3-4 रॉकेट बचा हुआ था सब जल के ब्लास्ट हो गया था। सिंपली आज के लिए वीडियो में इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।